जम्मू में आज चक्का जाम है, यानी जम्मू में लोगों को यहां से वहां जाने के लिए गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यानी आज जम्मू में कोई भी जो है वो लोकल गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहां पर आप लोग देखिए, कोई ई रिक्शा कर जा रहा है, कोई किसी भी तरह से जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो है अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और ऐसे में आपको बता दें कि आज जम्मू में जो चक्का जाम है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ई बसेस जो हैं वो चल रही हैं, और ई बसेस से नाराजगी जताते हुए यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उन्होंने अपनी अपनी चाबियां छोड़ दी है, यानी अपनी अपनी गाड़ियों का चक्का जो है वो जाम कर दिया। फिलहाल के लिए जम्मू के कैसे स्टैंड पर हूँ, जहाँ पर लोग जो है बिल्कुल डोगरा चौक के पास लोग आने जाने के लिए गाड़ियां जो है वो पकड़ते हैं। आज लोग अपनी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जिस तरह से लोगों से बात भी करते हैं, पहले आपको बता दें कि आज ई बसेस जो हैं उन्होंने अपना जोश दिखा दिया। जहां पर लोकल गाड़ियां बंद हुई, आपको बता दें कि यानी जम्मू कश्मीर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम की कॉल दी गई थी, उसी के साथ यहां पर आज तो चक्का जाम है उनके लिए, लेकिन स्मार्ट सिटी की जितनी भी बसेज आ रही है वो आज भरी हुई यहाँ से जा रही है। यानी जिस तरह से हमने कहा था कि अगर लोकल ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा उससे नुकसान लोकल ट्रांसपोर्टर को होगा, ई बसेस इसका फायदा उठाएंगी। तो आज जम्मू से यही तस्वीरें बाहर आ रही हैं कि ई बसेस जो हैं वो पूरा फायदा जो है वो उठा रही हैं, और पूरे जम्मू में आज ई बसेस घूम रही हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। क्या है? इरफान। स्कूल गए थे? हाँ, कॉलेज गया था। कॉलेज गए थे, अच्छा। तो मुझे बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई? गाड़ी की परेशानी और। कहाँ जाना है आप? इधर विक्रम चौक कॉलेज, अभी मैं आ रहा था, घर से आया हूँ मैं। अच्छा, घर से अभी आपको जाना है? जाना है। तो विक्रम चौक के लिए अभी आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, गाड़ी का इधर। गाड़ी तो नहीं आएगी? नहीं, गाड़ी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक ऑटो ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ऑटो। एज ए स्टूडेंट कितनी ज्यादा परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मैं आपको ना स्मार्ट सिटी की बस आ रही है उसका नजारा जरूर दिखाऊंगी कि आज स्मार्ट सिटी की जो बस आ रही है उसमें किस तरह से लोग जो हैं वो बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अब ई बसेज है, ये जो स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव था कि ई बसेज जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए, यहाँ पर आज मेटाडोर्स बंद है, गाड़ियां बंद है, उसका सीधा फायदा जो है ई रिक्शा को हो रहा है, ऑटो को हो रहा है। यानी अगर मैं ट्रांसपोर्ट्स की बात करूँ, देखिए अभी पास आइए, जरा अभी पास आइए, देखिए ये गाड़ी में कितने लोग जो है वो बैठ रहे हैं। देखिए जरा, जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे ना वो इस जल्दी जल्द के अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए एक के ऊपर एक होगा। ये देखिए आज इस तरह से, अगर मैं ई बसेस की बात करूं, ये है जम्मू की ई बस, और आज इस ई बस में एक भी जगह नहीं है कि कोई जा पाए। ये जम्मू की वो ई बस है, यहाँ से देखिए आप, आज ये पूरी जो है वो भरी हुई है, यानी साफ तौर पर ये देखिए पूरी ये ई बस जो है वो एंड तक, आखिरी तक लोग जो है इस ई बस में खड़े हैं। ये देखिए जिस तरह से बात करते हैं, ये बस जो है वो खाली जा रही है, लेकिन ई बस जो है आज वो पूरी तरह से भरी हुई है, और लोगों की डिमांड भी देखिए क्यों नहीं ई बस पे। यहाँ से तो ई बस चली गई, यहाँ से ई बस चली गई, आगे जाके ई बस जो है वो फिर से रुक गई है। देखते हैं ई बस के अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, और ई बस जो है वो कितने ज्यादा लोगों को, ये पूरी बस जो है वो आखिर तक भरी हुई है। तो ये जम्मू से आज आपको तस्वीरें जो हैं वो चक्के जाम की दिखा रहे हैं। एक और ई बस जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ई बस भी जो है वो दिखाते हैं, इसके अंदर के विजुअल्स भी दिखाते हैं। और आज ये ई बसेस जो हैं वो इतना ज्यादा फायदा उठा, ई बसेस जो हैं वो इतना ज्यादा फायदा उठा रही हैं कि यहाँ पर चलिए, ये जो है मेटाडोर्स बंद है, तो ये इस्माइलपुर भिधोरी तक जो है वो जाने वाली है। और इस ई, चलिए मैं आपको जो है वो पास से दिखाती हूँ, इसका भी जो है वो मिरर जल्दी बंद कर दिया। ये देखिए जम्मू की बस, आज अगर यहाँ पर मेटाडोर जो है वो पूरी तरह से बंद है तो उसका पूरा पूरा फायदा जो है इन ई बसेस को हो रहा है। और जिसमें कहा जाता था कि उतने ही ई बसेस में कहा जाता था उतने ही लोग बिठाए जाएंगे, जितनी सीट्स होंगी उतने ही लोगों को खड़ा किया जाएगा जितने लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज ई बसेस ने दिखा दिया है कि भाई हम जम्मू में आ चुके हैं, और ये सारा मतलब सारा रेवेन्यू और सारे लोग जो है हम अपनी ओर लेकर जा रहे हैं। ई बसेस में लोग बैठते हैं, उनसे बात जरूर करेंगे कि ई बस में जो है वो लोग क्यों बैठ रहे हैं। कोई कहता है इसमें एसी है, कोई कहता है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई कहता है कि मेट्रो जैसी फीलिंग जो है हमें देती है। यानी जम्मू श्रीनगर की बात करें, वहां पर ई बसेस जो है, देखिए इस तरह का ई रिक्शा जो है वो पूरा पूरा, देखिए ई रिक्शा जो है वो चल रहे हैं, देखिए एक के बाद एक ई रिक्शा जो है वो आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या बड़ा हुआ जम्मू में, जम्मू में ई बसेस और लोकल बसेस की अगर मैं बात करूं, यानी गाड़ियों की बात करें, उनके बीच में टकरार हुई, उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो बिठा ली, यानी चक्का जाम कर दिया, इसका पूरा फायदा जो है ई बसेस ने उठा लिया। ई रिक्शा वालों की आज जो है वो मौज है,
क्योंकि हर किसी को कहीं पहुंचना है और ई रिक्शा वालों की मौज है। मैं आपसे ना एक एक दो व्यक्ति की अगर बात करें उनसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत परेशान है। आप उनका भी व्यू सुनिएगा कि वो ई बस में बैठना चाहते हैं या किस में बैठना चाहते हैं। पीछे एक बहुत लंबी लाइन जो है वो लोगों की, और लोग इसी स्टैंड पर जो है वो इंतजार करते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि हमें जो है वो गाड़ी दिखे। तो मेरा तो और मानना था कि आपको जो है वो ई बसेस दिखाते, लेकिन आने में जो है वो वक्त लग रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ई बसेस हो या ई रिक्शा हो, पूरा फायदा उठाया उन्होंने जम्मू में चक्का जाम का। और ये देखिए, ये जम्मू में आप देखिए, चाहे जम्मू की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी के जो सीईओ राहुल यादव जी, उन्होंने भी कहा था कि हम दोनों सहमति से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सहमति दूर दूर तक नहीं दिख रही। अगर आम व्यापारी को नुकसान हो रहा है तो जम्मू स्मार्ट सिटी की बसेस को, यानी खंड मिठे लोग डोगरों जिनको नाम दिया गया था, उनको फायदा हो रहा है और वो अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं। जहां पर आम लोगों की अगर बात करें, आज वो अपने अपने घर पर बैठे हैं, उस एक गाड़ी से तीन तीन चार चार लोगों का घर जो है वो पलता है, जिस तरह से उनका कहना है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और जम्मू बुलेटिन न्यूज की बात करें इसे लाइक कर ले, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखे और वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। एक स्टूडेंट है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं जरा, किनको जो है वो किस तरह की परेशानी जो है वो हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम राजा जी। सोम जी मुझे बताइए क्या परेशानी है? परेशानी हमें यही है कि आज तो नांदा यहाँ पे कोई गाड़ी मिल रही है और इतनी ऊपर से धूप कड़ाकेदार पड़ रही है, और इतनी परेशानी के साथ हमने अभी जाना है बावे। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी से आए हुए हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, बट हमें कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ऊपर से इलेक्शन आ रही है तो जो भी लीडर्स हैं हाथ खड़े करके वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन उनको ये मेन परेशानी जो है सिटी की वो नहीं दिख रही है कि क्यों इतनी परेशान जनता हो रही है आज के दिन में, और वोट मांगने के लिए दो हाथ खड़े करके जा रहे हैं हर जगह पे। हाँ हम स्टूडेंट है, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे कैसे, क्योंकि आपको तो बावे बावे पहुंचना है। हम कोशिश करेंगे कोई अगर अपने इलेक्ट्रिशियन बस चल रही है गवर्नमेंट के, अगर कोई मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाएंगे हम यहाँ से। शुक्रिया। तो देखिए आज स्टूडेंट्स जो है वो सफर कर रहे हैं, हमारा भी यही दिखाना था। आपकी क्या राय है आप जरूर रखिएगा। जम्मू में चक्का जाम के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की सहूलियत के बारे में सोचिए, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में आम लोग ही जो है वो पिस रहे हैं।